एंटीग्रेट भर्ती के चयनातों की द्वितीय सूची की जारी। 5 विषयों के लिए 914 का चयन, अब 3 विषय रह गए हैं शेष। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एंटीग्रेट भर्ती के चयनातों की द्वितीय सूची जारी कर दी। 5 विषयों में रिक्त 946 पदों के लिए 914 का चयन किया गया। आयोग की ओर से 15 विषयों में सहायक अध्यापक के 10,768 पदों के लिए 218 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें पुरुषों के 5,364 तथा महिलाओं के 5,404 पद शामिल थे। 2019 से 2020 के बीच विषयवार परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए थे। ऐसे में हर विषय में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। आवेदन करने वाले अन्य अभ्यर्थियों ने रिक्त हुए पदों पर अनश्रेष्ठता सूची के आधार पर भर्ती करने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए आंदोलन भी चलाया था। इसी क्रम में आयोग ने द्वितीय सूची जारी करने की घोषणा की। इसी बाबत पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र लिया गया कि वे ज्वाइन नहीं करेंगे। इस आधार पर आयोग ने 7 विषयों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयनितों की द्वितीय सूची पिछले वर्ष ही जारी कर दी थी। शेष 8 विषयों की द्वितीय सूची भी जुलाई 2022 में जारी करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आयोग की ओर से जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला और अंग्रेजी विषय के रिक्त 946 के सापेक्ष 914 चयनितों की द्वितीय सूची बुधवार को जारी कर दी गई है। उप सचिव विनोद गौड़ के अनुसार प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति की जाएगी। आप लोगों को जानकर यह खुशी हुई होगी कि एलटी ग्रेड ने भर्ती के चयनातों की द्वितीय सूची जारी कर दी है, जिसमें से जो जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, कला और अंग्रेजी विषय की रिक्त 946 पदों के साथ 914 चयनातों की द्वितीय सूची जारी कर दी। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।